female who's just entered the industry a few years ago, you know, do you feel that as females, आपको केयरफुल रहना पड़ता है आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करें. देर आर इंस्टेंसेज वेयर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू और यू फील कि हमारी इंडस्ट्री अब एक सेफ स्पेस है. और अगर लड़कियाँ जो आ रही हैं, इवन लड़के जो आ रहे हैं, यू नो, उनको इतना ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है. या आप मे बी एक्सपीरियंस किया, मे बी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आस पास देखा ऐसी चीज़ें होते हुए. ओह या, नो नो, आई डेफिनेटली आई वाज हैरेस्ड ऑन अ सेट. रियली? या, आई वोंट स्पीक व्हिच सेट, बट it was very dramatic. I like still randomly was aa jata hai mujhe ki oh my god that happened and I did not slap the guy. So like it was and it was very public, so like I had to scream ke don't fucking touch me, like it had to, and I had to like scream very very loudly after repeatedly maine usko bola don't touch me, please don't touch me, why are you touching someone who doesn't want to be touched. So it was very very traumatic. And I mean, it was dealt with. उस तरह से नहीं उसके साथ dealing हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी. और ये set पे हुआ है. Part of the set वो बंदा जो भी था. Yeah. Actor. Oh, okay. too much information, but no, not enough. Like I think I wish I could take the name, but I don't. मैं वो टेक नेम बट आई देना ही नहीं चाहती उसको इतनी इंपॉर्टेंस है मैं उसका नाम भी लूं. बट आई थिंक मानिया इट्स इंपॉर्टेंट टू रेज दिस टॉपिक्स एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर बीइंग ब्रेव इनफ टू रेज दिस. एंड ऑनेस्टली शेयर के ऐसा हुआ था क्योंकि जब तक हम इस बात पे बात नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ रुकेगी नहीं. ये चीज़ तभी रुकेगी जब लोगों को थोड़ा डर होगा कि ओह इफ आई डू समथिंग माय नेम कैन बी टेकन, यू नो. अदरवाइज देयर इज नो. He did get scared. उसे डर गया था और उसने अपनी स्टोरी बना ली कि ओ why did she say don't fucking touch me, why did she, उसने मुझे गाली दे दी. उसका मतलब है वो परमिशन मिली आपको टच करने की क्योंकि आपने गाली दे दी. He made it about himself. इसकी जुबान देखें आप. I'm like what, this guy is insane. मैं इसके बारे में क्या ही बात करूँ. Definitely you have to be cautious. Yeah, you have to be cautious. So I think वो उस experience के बाद मैं ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गई थी. जब आप सेट पे होते हैं तो आप अगर घर से दूर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो लाहौर से निकल के कराची या इस्लामाबाद जाके शूट करती हूँ, तो यू ट्राई कि आपकी एफिलिएशन इस तरह बन जाए लोगों के साथ सेट पे कि आसानी से टाइम गुजरे. बट फिर जब ये हुआ तो आई वाज लाइक नहीं बाबा, हम बस सही दूरी ठीक है हम सबसे. एंड अब आपकी बात मैं सोच रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि या लाइक हम कहते हैं वो कितनी रिजर्व है, कितना नफा है, बट कभी कभी सिचुएशंस आपको फॉर्म यू, दे फॉर्म यू, दे मेक यू बिहेव लाइक दैट और दे मेक यू चूज दिस पाथ रादर देन दैट. डू यू फील हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री इज रेडी टू एक्सेप्ट द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल? आई थिंक दे हैव, दे एक्सेप्टेड मी. लाइक आई नेवर, आई डिडंट, सो आई वाज शॉक्ड व्हेन एवरीवन वाज वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ मी. मुझे कहा बहुत से लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, बहुत से नहीं मैं कहूँगी जिनसे मेरी दोस्ती होगी इवेंचुअली, कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम बदल देना तो आप 6 महीने में टॉप 5 में होंगी. तो मैं इस विशस सर्कल का पार्ट नहीं बनना चाहती. बिकॉज आई नो कि देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु Wear what they want, just do not, they वो तस्वीरें नहीं लगाते इंस्टाग्राम पे, but the moment you wear it publicly it means nothing, next to nothing if you put it up on Instagram. So what they're basically doing is के हमारी सोसाइटी के हिसाब से इंस्टाग्राम चलाएंगे ताकि लोगों को ना पता चले. पर वो विशेष सर्कल में फिर वो इंसान जो बस इज ऑनेस्ट अबाउट हाउ दे लिव वो फंस जाता है क्योंकि उसको सिर्फ वो गालियाँ खा रहा होता है. तो ये फिनस्टार्स बनते हैं और लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन ओवर देयर. बट आई डिसाइडेड कि इट्स फाइन, लाइक यू कैन वेयर व्हाट यू वांट एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी नाइस एंड काइंड एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. बट कुछ थोड़ा रिएक्शन में भी कर रही हैं आप क्या, जस्ट टू से ओके बोलते रहो जो बोलना है, मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है. आई एम जस्ट आस्किंग. नो नो नो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. आई नेवर थॉट अबाउट इट. उस तरह से आई थिंक रिएक्शन में ही है. बिकॉज मैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे फील आ रहा है कि यू नो कि थोड़ा सा यू आर लाइक कि नहीं आई हैव टू, या कि हां आई मस्ट, और यू लाइक कि नहीं आई विल प्रूव कि मेरा टैलेंट इज अबव एवरीथिंग. या या एब्सोल्युटली. सो आई डोंट नो, इट विल बी सो लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कितना आसान होगा मेरे लिए टू गेट मोर वर्क इफ आई वाज टू जस्ट चेंज द वे. ओह माय गॉडनेस, यू आर सेइंग कि नॉट जस्ट पब्लिकली वर्क
that you get is also affected by how you what you're wearing. I remember this was this TVC and मैंने एक campaign cancel की. मेरी date final थी. I was supposed to go to Turkey and do it. तो उस team के अंदर एक ख्वातीन थी जो her preference of being a modest woman, great, always respect your preference of however आप अपने आप को carry करना चाहते हैं. But she did not like me because of the way I dress. तो she ghosted me. उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर टीवीसी का पता नहीं चला और मेरी डेट्स आया हो गई. एंड देन आई रियलाइज एंड देन आई लाइक रियली गॉट इनटू इट बिकॉज़ आई वाज लाइक यू कांट जस्ट वेस्ट समवनस टाइम. टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन दिस प्लेनेट. तो फिर मुझे समझ आई कि उनको मसला था मुझसे. सो यू हैव चोजन कि मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे. हां, किसी को करने पड़ेंगे. समबडी हैज टू. माइट एज़ वेल जस्ट बी इन एनी वे अनकॉन्शियसली जो ट्रोलिंग होती है, जो कॉमेंट्स आते हैं, जो मैंने पढ़े हैं आपके नीचे जाके या जनरली भी जो आप मुझे बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है आपको? कुछ इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर एज अ पर्सन? नो, दीस पीपल डोंट नो मी. सो इफ दे डोंट नो मी, दे डोंट मैटर टू मी. सो आई हैव बैड डेज बट आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड आई मुझे जब मैं तब पढ़ती हूँ कि ये इसको तो इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है. तो आई एम लाइक ब्रो तुम्हें काम पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, चला जाता है काम ऐसे. आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माय एग्जिस्टेंस, माय आइडेंटिटी. बट आई नो आई एम ग्लैड कि जो पीपल इन पावर हैं, जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, मुझसे मिलने के बाद टू हैव स्पेंड टाइम विद मी, दे रियलाइज के ओह लाइक what it, she looks like she's going to slap you but she doesn't. But yeah, so I think hum form kar lete hain opinions logon ke bare mein bahut pehle unko janne se, to wo thoda badalna hai. You got married very early. I think I got married on the right time. Kya age thi? 25. Okay, yeah, but phir bhi aajkal to matlab thoda sa log 25 pe phir bhi itni shaadiyan nahi ho rahi hai. स्पेशली इफ़ यू स्टार्टिंग अ करियर, तो यू नो वो, लेकिन तब आपने करियर नहीं स्टार्ट किया था एक्टिंग का. सोच रही हूँ वो जब वो टाइम जब आजकल की जनरेशन आप लोगों की जो है वो शादी के बारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. नहीं है. एंड थोड़ा आप यू जम्प्ड इनटू इट, यू नो. नो आई डिडंट ऑनेस्टली. वी न्यू ईच अदर, हम साथ पढ़ रहे थे और मैं हम तीन साल से वी वर सीइंग ईच अदर. ओके. तो बस मैंने फिर एक दिन सोचा, मम्मी कहती थी 10 बजे घर पहुँचो. मैंने कहा मैंने नहीं आना घर. मैं आप घर आ मैं आऊँगी, आप सो जाएंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी. आई एम व्हाट लाइक 21, लेट मी बी. एंड देन आई वाज 25 वन डे एंड देन शी वाज स्टिल लाइक घर पहुँचो 10 बजे. मैंने कहा, शी सेड कि अच्छा ठीक है फिर कब शादी करोगी तुम. मैंने कहा फाइन. फिर आई कॉल गुल एंड आई वाज लाइक तुम्हारी अम्मी को गाँव रिश्ता ले. एंड नो एक्चुअली बिफोर आई कॉल्ड हिम आई वी वर सिटिंग टुगेदर. आई वाज लाइक कैन वी जस्ट लाइक गेट मैरिड. सो आई वाज द वन टू लाइक सीरियसली प्रपोज टू हिम एंड से कैन वी गेट मैरिड. इज लाइक यू सीरियस.